अगर आप लोग किसी भी ऐप के बीटा वर्जन को यूज़ करना चाहते हैं, यानी आप एक बीटा यूज़र बनना चाहते हैं और जब प्ले स्टोर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन नहीं होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं व्यासमा जी और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि किसमें हम लोग बीटा वर्जन को ज्वाइन किए हैं और कौन से हम लोग ऐप में बीटा वर्जन ज्वाइन नहीं है, तो उसमें कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन किए। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू आर ए बीटा रजिस्टर, यानी इंस्टाग्राम पे हम लोग बीटा यूज़र बन चुके हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो व्हाट्सएप में भी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे यू आर ए बीटा रजिस्टर, क्योंकि हम लोग इसमें भी बीटा यूज़र है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं फेसबुक। फेसबुक जब सर्च करेंगे और इसे ओपन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बीटा वर्जन को ज्वाइन नहीं किए हैं, यानी फेसबुक बीटा यूज़र हम लोग नहीं है। तो आप अगर किसी भी ऐप के बीटा यूज़र बनना चाहते हैं और आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है प्ले स्टोर में, तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्ले स्टोर में जिस जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है उसी जीमेल आईडी से आपको क्रोम में भी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है उसी ऐप का बीटा वर्जन। अगर आप फेसबुक में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा फेसबुक बीटा वर्जन या फिर बीटा डाउनलोड, जो आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे फेसबुक बीटा वर्जन। आप जैसे सर्च कीजिएगा तो पहला वाला ही जो लिंक है उसे आपको ओपन कर लेना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे फेसबुक बीटा वर्जन और नीचे आपको बिकम ए टेस्टर का एक बटन मिल जाएगा। मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे बिकम ए टेस्टर वाला जो बटन है वो नहीं मिल रहा है तो आप इस पेज को तब तक रिफ्रेश करते रहिए जब तक आपको ये बटन नहीं मिल जाता है। जैसे आपको रिफ्रेशिंग के बाद ये बटन देखने को मिल जाएगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसमें आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप बीटा वर्जन के लिए ज्वाइन हो जाइएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू द टेस्टिंग प्रोग्राम, यानी आप इस ऐप में ज्वाइन हो चुके हैं बीटा वर्जन के लिए, यानी आप एक बीटा यूज़र बन चुके हैं। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले इसमें क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फेसबुक ब्रैकेट में बीटा आ जाएगा और यहाँ पे अपडेट का एक बटन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप अपने फ़ोन पे स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करके रखते हैं तो गूगल प्ले में कोई भी चीज़ अपडेट या फिर इंस्टॉल नहीं होता है। उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए इसे ऑफ करना होगा, फिर मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, यानी हम एक बीटा यूज़र बन चुके हैं। अब इसे ओपन पे क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। बट इस तरीके से आप किसी भी ऐप के बीटा वर्जन को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आप एक बीटा यूज़र बन सकते हैं। अगर आपको प्ले स्टोर में ऑप्शन नहीं भी मिल रहा है तो आप क्रोम में जाके उसे सर्च कर सकते हैं। आप फेसबुक में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आप जिसमें चाहे उसमें आप बीटा वर्जन को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आप एक बीटा यूज़र बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है कि अगर प्ले स्टोर में बीटा यूज़र बनने का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है तो आप कैसे बीटा वर्जन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।